तब कुछ अच्छा चल रहा है, और जब भी तो मोदी जी की सरकार आई है। और जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी की सीटें इतनी कम आई है, भैया कितनी कम आई है? कम तो बहुत आई है, 405 कम, 405 छोड़ दो, 28 जने मिलके उतनी सीट नहीं ले पाए जितना वो अकेले लेके आए। अकेले बंदा इतनी सीट लेके आ गया, वो किसी को नहीं दिख रहा। और 28 चोर, अरे भाई चलो, 28 जने मनुष्य मारे, इतनी सीट नहीं लेके आ पाए जितना वो अकेले लेके आ गए। जबरदस्ती बोल रहे, खिसियानी बिल्ली क्या करती है, खम्बा नोचती है ना, खिसियानी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, वो कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे वो। मोदी जी तो बेचारे, मोदी जी तो शेर है, अब वो सोच रहे शेर के सामने हम क्या करें। अब पीछे से वो अपने प्रोपगेंडा फैलाए जा रहे हैं। अब वो जो वो बोल रहे थे 1 लाख देंगे, लोगों को बहका तो दिया, वोट तो ले ली है। हाँ आ गए 15 लाख, आ गए 15 लाख, आ गए। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। अब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 1 लाख भेजेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, और बैंक के सामने लाइन लगाने के लिए पैसे लेके लेने के लिए खड़े होंगे, पैसे नहीं मिलेंगे डंडा मार के भगाएंगे फटाफट फटाफट। वो नहीं करते मोदी जी। मोदी जी कोरोना काल में वैक्सीन बना करके दी, कोरोना काल में ऑटो वालों के बैंक में 5,000 रुपए भेजे, ठीक है। अकबर नगर की बात करें, वहाँ भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, हमारे साथ महिला मौजूद है। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नैना ठाकुर है। नैना जी, हम देख रहे हैं जी, नैना जी इस बार तो 24 का चुनाव हमने देखा है, इसमें यूपी में काफी अच्छा प्रदर्शन भाजपा नहीं कर पाई है। बार बार ही कहा जा रहा है कि योगी जी का करिश्मा कम हो गया, योगी जी का जलवा कम हो गया है, अब योगी जी में वो वाली बात नहीं रही, मोदी जी में वो वाली बात नहीं रही है। यूपी में हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर जो है वापस से एक्टिव हो गया है, कह रहे धर्म के आधार पर बुलडोजर जो है मकान गिरा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म के आधार पे कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो गलत कर रहा है सिर्फ उसी पे चल रहा है, जो इंसान सही से रह रहा है, सही से खा रहा है, इज्जत से चल रहा है, तो उसके घर पे तो नहीं चल रहा है। अब जो जो गलत करेगा, जो दूसरों की जिंदगी को झंड करेगा, खाने नहीं देगा, कमाने नहीं देगा, इज्जत से रहने नहीं देगा, मेहनत से भी नहीं खाने देगा, तो उसको तो चलेगा ही चलेगा। अब वो चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का हो, है ना। तो अब जब जो इंसान गलत कर रहा है तो उसमें तुम धर्म ला करके बीच में प्रोपगेंडा बनाओ, ये तो गलत बात है। ये तमाम जो विपक्षी दल है कह रहे हैं कि इस बार यूपी में बीजेपी जो प्रदर्शन खराब करी है उसकी खुन्नस निकाली जा रही है मोदी और योगी के द्वारा। खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को लेकर के भाजपा को लग रहा है कि वोट नहीं पड़े हैं, तो वो वोट नहीं पड़ने का गुस्सा मुसलमान की बस्ती पर निकल रहा है, वहां पर बाबा का बुलडोजर जो है बिना देखे एकदम एक्शन के मोड में चल रहा है। अरे कुछ नहीं है, जो 28 गठबंधन जो बने हैं ना, 28 जनों के, जो ये क्या बोलते केजरीवाल है, माया है, इंडिया गठबंधन जो बना है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी की सरकार ना बने इसके कारण इन्होंने सारा प्रोपगेंडा फैलाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और अच्छा ही चलेगा, अच्छा ही चल रहा था। वो सिर्फ उनको कैसे भी करके हटाने की कोशिश हो रही थी, अब वो जब नहीं हट पाए उनसे, फिर वापस तीसरी बार मोदी जी आ गए, तो अब वो सोच रहे अरे हमने तो ये प्रोपगेंडा फैलाया था, कभी हमने संविधान खतरे में बताया था, कभी इज्जत खतरे में बनाई थी, कभी हमने मजहब का लेकर के चले थे, अब तो कुछ भी नहीं, हमारा प्लान कामयाब हुआ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जब भी तो मोदी जी की सरकार आई है, और जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी की सीटें इतनी कम आई है, भैया कितनी कम आई है? कम तो बहुत आई है, 405 कम, 405 छोड़ दो, 28 जने मिलके उतनी सीट नहीं ले पाए जितना वो अकेले लेके आए। अकेले बंदा इतनी सीट लेके आ गया, वो किसी को नहीं दिख रहा। और 28 चोर, अरे भाई चलो, 28 जने मनुष्य मारे, इतनी सीट नहीं लेके आ पाए जितना वो अकेले लेके आ गए। वो नहीं दिखाई दे रहा उनको, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है, है? तो हाँ, तो ये तो सिर्फ उन्होंने प्रोपगेंडा फैला रखा है और कुछ नहीं है। भाजपा जब कहती है कि 400 पार की माहौल बनाया हुआ था यूपी में, मत देखो ना बात, 400 पार की मत देखो, बात ये देखो ना कि उन लोगों को सदमा कितना बिठा दिया कि तीसरी बार भी वो कोशिश पूरा विदेश तक से, भाई उनकी उनकी औकात तो बैसाखी वाली भी नहीं हुई यूपी में। यूपी में तो आप बार बार ही कह रहे थे कि भाई बाबा ने इतना काम किया है,
इतना माहौल बनाया है। यूपी में तो 80 में से 80 की बात हो रही थी, 70 में कम से कम 70 की बात हो रही थी, अचानक से कह रहे हैं कि जो मैंडेट मिला है, जो कम सीटें आई हैं, उसका गुस्सा अब योगी जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो मुसलमानों की बस्ती पर अकबर नगर पर कह रहे ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, तो गुस्सा निकल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना है। अब देखो, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो तो तुम तो मेरे को कुछ ना कुछ बोलोगे ही ना। अब ऐसे चुप रह करके तो दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी। उनकी सोच से कुछ ना कुछ तो उनको बोलने का मौका तो जबरदस्ती बोल रहे। खिसियानी बिल्ली क्या करती है, खम्बा नोचती है ना, खिसियानी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, वो कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे। वो मोदी जी तो बेचारे, मोदी जी तो शेर हैं, अब वो सोच रहे शेर के सामने हम क्या करें। अब पीछे से वो अपने प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। अब वो जो वो बोल रहे थे 1 लाख देंगे, लोगों को बहका तो दिया, वोट तो ले ली है। हाँ, आ गए 15 लाख आ गए। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, हमारे देश को कांग्रेसियों ने जो सोना 1 लाख किलो बाहर फेंका था वो लेके आए। हमारे जो भ्रूण हत्या करते थे कांग्रेस के टाइम में वो नहीं कर रहे हैं। बेटी जो सिर्फ रोटी की रसोई का समझा जाता था, सिर्फ रसोई बच्चे पैदा करने की मशीन, आज वो नहीं समझा जा रहा है। बेटी को पढ़ाया जा रहा है, बेटी को कंधे से कंधा मिलाने का मान सम्मान दिया, बेटियों को आरक्षण दिया, बेटियों को नाम मान सम्मान दिया। आज बेटी घर से चल सकती है, आज बेटी बोल सकती है, आज बेटी कमा सकती है, वो सिर्फ मोदी जी ने कराया है। मोदी जी की बदौलत आज लेडीजों को जीने का और जिंदा रहने का मान सम्मान और हक मिला है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष कहता है कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। बार बार योगी जी को लेकर भी यही कहा था कि यूपी में तो ये योगी जी जो है, जब से ये मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, मुसलमान बस्ती का इनको ख्याल ही नहीं है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर लोग काफी समय से रहते हैं। अचानक से क्या हो गया, जो 20 साल से रह रहा है, अचानक से आपको याद आ गया कि ये अतिक्रमण है, अचानक से 20 साल के परिवार को आप हटा दे रहे हैं। हमने तो कहीं भी गंदगी नहीं देखी। क्या मोदी जी अपने घर से लाके गंदगी रखते हैं क्या? गंदगी तुम खुद ही फैला दो, गंदगी खुद ही कैमरे पे वीडियो बना के भेज दो। बदनाम करने का तो कोई तरीका इंसान के पास में बना हुआ नहीं है, कुछ भी कर लो, है ना। जब तुम गलत कर रहे हो तो तुम अपने हिसाब से गलत कर रहे हो ना। मोदी जी तो खूब अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी ने शौचालय बना के दिया, मोदी जी आंखें ना फूटे किसी के धुएं से, गैस सिलेंडर भी दिया, मोदी जी ने छत भी दी सबको, मोदी जी ने पढ़ने का हक भी दिया, मोदी जी ने बगैर इलाज के कोई ना मरे वो तुम्हारे को 5 लाख का बना करके दिया, कार्ड बना करके दिया, ठीक है। अभी मैंने अपने सिर में दर्द होता सीटी स्कैन करवाया, मोदी जी की वजह से फ्री हुआ, ठीक है। मेरे घर में अनाज आ रहा है, मोदी जी की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब वो मुगेरी लाल के हसीन सपने 1 लाख भेजेंगे खटाखट, और बैंक के सामने लाइन लगाने के लिए पैसे लेने के लिए खड़े होंगे, पैसे नहीं मिलेंगे डंडा मार के भगाएंगे फटाफट। वो नहीं करते मोदी जी। मोदी जी कोरोना काल में वैक्सीन बना करके दी, कोरोना काल में ऑटो वालों के बैंक में 5,000 रुपये भेजे, ठीक है। क्या मोदी जी ने भेजे थे 5? बताइए मैम, एक बात बताइए, आपने अभी सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई तक नहीं है यहाँ, वहाँ जनधन वाला मोदी जी वाला आता हमारे तो जनधन वाला, ये बात गलत है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई ऐसा नहीं है। मोदी जी एक बात बताइए मैम, एक बात बताइए, ये बार बार ही कहा जा रहा है कि भाई यूपी में अगर इतना ही अच्छा काम किया है योगी जी ने अगर इतना ही अच्छा काम किया है तो क्या कारण है? गलत नहीं बोले, सफदरजंग में लिख के दे रहे हैं कि बाहर से लो दवाई। सर मुझे मैम यूपी में मैं सर भाई साहब एक सेकंड, यूपी में अगर योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो क्या कारण है कि यूपी की जनता अयोध्या में भाई बीजेपी हार जाती है? अगर इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी सुरक्षा दी है, तमाम चीजें की है योगी जी ने, तो अचानक से सपा का ग्राफ बढ़ जाता है और बीजेपी का ग्राफ कमजोर हो जाता है, योगी जी का ग्राफ कैसे कमजोर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 32 और 35 आई ना, सिर्फ 3 सीटों का तो फर्क है ना, ज्यादा तो नहीं है। 3 सीट देखो ना, 35 मिले वो छोड़ो, 3 सीट देखो। आया कौन है? मोदी शेर आया ना, शेर ही आए ना, बाज बीजेपी आई है ना। अब वो जो चूहे कर रहे थे, वो चूहे ऐसे ऐसे जो ये कर रहे थे, वो आज बेचारों को सदमा लगा, 15 दिन के बाद में उनको होश आया, इस चीज़ का यकीन हुआ है कि हम हार गए। उसके पहले तो 15 दिन तक बेचारों को इतना भी होश नहीं था कि हम हार चुके हैं।